सब्स्टिट्यूशन किन तीन फंक्शनों पे अप्लाई की जा सकती है? ये तीन फंक्शन ऐसे हैं जिन पर सब्सक्रिप्शन अप्लाई की जा सकती है। ये तीन फंक्शन ऐसे जहां पर सब्सक्रिप्शन अप्लाई की जा सकती है। एंगल सादा ना हो, उसे क्या पुट करेंगे? टी। उसको क्या पुट करेंगे? टी। लेकिन इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, उसको हम क्या पुट कर सकते हैं? टी। अंडर रूट आ रहा हो, क्या पुट करेंगे? टी। एक्सपोनेंशियल के पावर का डेरिवेटिव बन रहा हो, एक्सपोनेंशियल के पावर का डेरिवेटिव बन रहा हो, उसको क्या पुट करेंगे? टी। एंगल ज्यादा ना हो, उसे क्या पुट करेंगे? टी। लेकिन इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, लेकिन इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। अंडर रूट आ रहा हो, लेकिन अंडर रूट के बेस का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। बेस का डेरिव 1 का 0, x का 1, यहां पर 1 पड़ा हुआ, इस बेस को क्या पुट कर सकते हैं? t। क्या पुट कर सकते हैं? t। कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा हो, कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा हो, उसको हम क्या पुट करेंगे? t। देखो ना, ये एक्सपोनेंशियल के ऊपर ये भी एक एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन ही है, एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन ही है, हम इसको क्या पुट कर सकते हैं? लेकिन इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है? 2x। देखो यहाँ पर x मौजूद है, 2 क्या है? 2 तो एक कांस्टेंट है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। देखो एंगल सादा ना, उसे क्या पुट करेंगे? t। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में रिप्लेस करना। ये तीन फंक्शन ऐसे हैं जिन पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की जा सकती है। एंगल सादा ना हो, टी पुट करना। अंडर रूट आ रहा हो, लेकिन उसके बेस का डेरिवेटिव मौजूद हो, उसको क्या पुट करेंगे? टी। कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा हो, उसे क्या पुट करेंगे? टी। उसे क्या पुट करेंगे? टी। जैसे हम अपने चैप्टर नंबर 8 की तरफ आते हैं, चैप्टर नंबर 8, जो बेसिकल चैप्टर में 8 ये है, सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। तो हम किस पे डिपेंड करता है? सब्स्टिट्यूशन पर। सब्स्टिट्यूशन किस पे डिपेंड करता है? सब्स्टिट्यूशन पर। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रेशन टेन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस और सारे की पावर 9, 2x माइनस 3 साथ आ गया। देख, सबसे पहले हम यहां पर क्या चेक करेंगे? पावर रूल। पावर रूल क्या है? पावर रूल चेक करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले हम पावर रूल चेक करेंगे, उसके बाद हम कोशेंट रूल चेक करेंगे, उसके बाद कोई न्यू टेक्निक से जाएंगे। पावर रूल क्या? इस बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लिकेशन में मौजूद होना चाहिए, इस बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लिकेशन में मौजूद होना चाहिए। बेस का डेरिवेटिव क्या बनता है?
अगर इस बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में मौजूद है, अगर इस बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लीकेशन में मौजूद है, क्या करेंगे, पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे, वही पावर नीचे प्लस सी। इस बेस का डेरिवेटिव ऊपर पावर होगी, इस बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लीकेशन में मौजूद होना चाहिए। अगर इस बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में मौजूद है, क्या लगाएंगे वहां पर, पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे, वही पावर नीचे प्लस सी। अब देखो क्या इस बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लीकेशन में मौजूद है, बेस का डेरिवेटिव क्या बनता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स। थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस थ्री। देखो इस फोर का डेरिवेटिव जीरो, इस बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, हम यहां पर क्या लगा सकते हैं, पावर रूल। इस टेन का कोई काम नहीं, टेन को बाहर निकाल देंगे, टेन को बाहर निकाल देंगे। इस बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लीकेशन में मौजूद है, देखो ना इस बेस का डेरिवेटिव, इस बेस का डेरिवेटिव क्या बनता है, एक्स स्क्वायर का टू एक्स आ गया, माइनस थ्री एक्स का माइनस थ्री आ गया, इस बेस का फोर का जीरो, इस बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, यहां पर क्या लगाएंगे, पावर रूल लगा देंगे। क्या करेंगे, देखो ना इस बेस का डेरिवेटिव आगे अगर मल्टीप्लाई कंपेयर करें इसके साथ, अगर इस बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लीकेशन में मौजूद है, क्या लगाना होता है, पावर रूल। पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। क्या आ जाएगा, टेन एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, सारे की पावर टेन ओवर टेन प्लस सी। अब ये देखो, ये टेन टेन के साथ कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर सारे की पावर टेन प्लस सी आ गया। ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये क्या था फाइनल आंसर। अब करें क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू। पावर रूल, अगर इस बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लीकेशन में मौजूद है, क्या करेंगे, पावर में ऊपर एक प्लस, वो ही पावर नीचे प्लस सी। अब क्वेश्चन रूल नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो क्या लगाएंगे, क्वेश्चन रूल, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर टू, एक्स की फोर सीकेंट स्क्वायर एक्स की फाइव सात आगा डी एक्स। सबसे पहले पावर रूल चेक करेंगे, इसके कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले आपने पावर रूल चेक करना है, इसके बाद आपने क्वेश्चन रूल चेक करना है, इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन पे आएंगे। क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव सात मौजूद है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, फोर एक्स की थ्री, सात मौजूद नहीं है। अब ये रूल नहीं लगा सकते, पावर रूल भी नहीं लग सकता, क्या नीचे वाले का ऊपर मौजूद है, नहीं है, क्वेश्चन रूल भी नहीं लगेगा। अब क्या हम लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में आपको तीन टाइप बता दी मैंने, एंगल सादा ना हो, देखो एंगल सादा नहीं है, इसको क्या पुट कर सकते हैं, टी। एंगल सादा नहीं है, इसको क्या पुट कर सकते हैं हम, टी, लेकिन इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। जिसको हमने एंगल को पुट करना है, जिसको टी पुट करना है, उसका डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए, ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करे।
इसका डेरिवेटिव भी मौजूद होना। इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 5x की 4। एंगल का डेरिवेटिव क्या बनता है, 5x की 4। देखो x की 4 मौजूद है ना, x की 4 मौजूद है, हम क्या पुट कर सकते हैं इस फंक्शन को, t, ये वाला फंक्शन पे अप्लाई होगी, क्या पुट कर सकते हैं t। अब इसको क्या पुट कर लेंगे, t, अब इसको क्या पुट कर लेंगे, t पुट कर लेंगे, t इज इक्वल टू एक्स की 5, t इज इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे। अब इसकी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन तीन फंक्शनों पे अप्लाई होती है, एंगल सादा ना हो, एंगल सादा ना हो, ये एंगल सादा है, मैंने बात की एंगल सादा ना हो। अब ये एंगल सादा नहीं है, एक्स के ऊपर स्क्वेयर है, ये एंगल सादा नहीं, इसको क्या पुट कर सकते हैं, टी। लेकिन इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, डेरिवेटिव भी मौजूद है। अब देखो ये एंगल सादा नहीं है, अब ये एंगल सादा नहीं है, अब इसको क्या पुट कर सकते हैं, टी। मैंने लेफ्ट कर लिया थी, अब इसका डेरिवेटिव भी लेंगे, क्या लेंगे, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ले लें, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, 5x की 4 आ गया, यहां पर आ गया डी टी ओवर डी एक्स आ गया, अब डी टी आ गया 5x की 4। अब डी एक्स इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है इस तरफ, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर आपको देखो ना, अगर ये फंक्शन की करने हैं तब भी यही काम करना पड़ेगा, अगर ये फंक्शन आ जाए तब भी यही काम करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन में उसको टी पुट करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर टी को एक साइड पे कर लेंगे, एक्स वाली एक साइड पे कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब क्या करेंगे, रिप्लेस, अगला काम क्या हमारा, रिप्लेस, रिप्लेस करेंगे, ये इंटीग्रेशन ऐसे ही आ गई, इंटीग्रेशन ऐसे ही, ये सीकेंट स्क्वेयर, सीकेंट स्क्वेयर। अब एक्स के 5 को हमने क्या पुट किया है, टी, अब इसको टी पुट कर लेंगे। अब देखो एक्स की 4 डी एक्स किसके इक्वल है, एक्स की 4 डी एक्स, 5 को इस तरह फेंक देंगे, ये 5 को इस तरह फेंक देंगे। अब देखो एक्स की 4 डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी ओवर 5 के, किसके इक्वल है, डी टी ओवर 5 के। देखो फंक्शन मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दी, आपने पहले डेफिनेशन बताई थी, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में रिप्लेस कर देना। देखो मैंने रिप्लेस कर दिया, फंक्शन मेरा किसमें दिया था, उसने एक्स में, मैंने किसमें तब्दील कर दिया, किसमें चेंज कर दिया, टी में, ये मैंने क्या कर दी, सब्स्टिट्यूशन। अब 1/5 को बाहर निकाल देंगे, कॉन्स्टेंट को, अब सीकेंट स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन टी, क्या इंटीग्रेशन है, टेन टी प्लस सी। अब क्या करेंगे, ये आंसर नहीं है, अब क्या करेंगे, अब टी को हमने क्या पुट किया था, एक्स की 5, एक्स की 5 को क्या पुट किया था, टी, अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे दोबारा, क्या करेंगे, टी की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे, प्लस सी, ये हमारा आंसर है, ये थी सब्स्टिट्यूशन। ये था क्वेश्चन नंबर 2, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सिक्स एक्स स्क्वेयर ई एक्स की 3, 7 आ गया डी एक्स। सबसे पहले इसमें क्या चेक करेंगे, पावर रूल, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, सबसे पहले आपने कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, पावर रूल, इसके बाद हमने क्या चेक करना है, क्वेश्चन रूल, फिर हम सब्स्टिट्यूशन पर जाएंगे, इसके बाद तीसरा टॉपिक क्या हमारा, सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन भी आपको तीन फंक्शनों पर अप्लाई की जा सकती है, एंगल ज्यादा ना हो, टी पुट करना, लेकिन उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए,
अंडर रूट आ रहा हो, अंडर रूट के बेस का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, कोई एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव बन रहा हो, एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव बन रहा हो, उसको क्या पुट करेंगे? टी। अब देखो पावर रूल भी नहीं अप्लाई हो रहा, क्वेश्चन रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा, अब क्या चेक करेंगे? ये वाला लगेगा, एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। देखो डेरिवेटिव मौजूद है, उसका डेरिवेटिव क्या बनता है? थ्री एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मौजूद है, इसको क्या पुट कर सकते हैं? टी। इस फंक्शन को क्या लगा सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन। अब इसको क्या पुट कर लेंगे? टी। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी टी ओवर डी एक्स आ गया, इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स, एक्स की थ्री, पावर पहले पावर में से एक कम, बेस का लेंगे वन आ जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स आ गया, थ्री एक्स का स्क्वायर, डी एक्स को उस तरफ फेंक देंगे, डी टी आ गया, थ्री को इस तरफ फेंक देंगे, एक्स का स्क्वायर डी एक्स आ गया। अब अगला काम क्या हमारा? रिप्लेसमेंट। देखो पहले एंगल वाला आया था, उस पर हमने टी पुट किया, उसका डेरिवेटिव लिया, टी को एक साइड पे कर दिया, एक्स वाले को एक साइड पे कर दिया। अब यहां पर भी यही काम करेंगे हम, अब यहां पर भी हम क्या करेंगे? रिप्लेसमेंट करेंगे। अब रिप्लेसमेंट क्या? सिक्स ऐसे ही आ गया, ये इंटीग्रेशन भी ऐसे ही आ गई। अब देखो ना ई के ऊपर क्या पुट करेंगे? टी। एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल है? डी टी ओवर थ्री के। अब इसको क्या पुट कर लेंगे? डी टी ओवर थ्री के। अब थ्री क्या है? कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, ई टी सात आ गया डी टी। अब हमें पता है ई एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का नीचे डेरिवेटिव, पावर का नीचे डेरिवेटिव, पावर का नीचे डेरिवेटिव है। अब देखो थ्री वन टाइम, थ्री टू टाइम, क्या आ जाएगा? टू इंटीग्रेशन। अब ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव लेंगे, वन आ जाएगा प्लस सी, क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा प्लस सी, क्या आ गया हमारे पास? टू ई टी प्लस सी आ गया। अब क्या करेंगे? अब देखो जिस शेप में हमें क्वेश्चन दिया था ना, उसी शेप में आंसर देंगे, एक्स में दिया तो आंसर भी एक्स में देंगे। अब इसको दोबारा क्या पुट कर देंगे? टी को एक्स की थ्री प्लस सी, ये था हमारा फाइनल आंसर। ये तो क्वेश्चन नंबर थ्री। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स की पावर वन, इसको अलग कर देंगे, वन मल्टी एक्स का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट सात आ जाएगा डी एक्स। देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? पावर रूल। पावर रूल क्या है? इस बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लीकेशन में मौजूद होना चाहिए, इस बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लीकेशन में मौजूद होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव क्या बनता है? साइन इनवर्स एक्स का, वन ओवर वन मंथी एक्स स्क्वायर, इसका अगर डेरिवेटिव मौजूद है। अब देखो ना इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, अब हम इसको क्या लगा सकते हैं? पावर रूल। पावर रूल क्या है? पावर में ऊपर एक प्लस, इसकी पावर वन है ना, पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे प्लस सी, क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स की पावर टू ओवर टू प्लस सी। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा फोर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव।
नेचुरल लॉग एक्स ओवर एक्स साथ आ गया डी एक्स, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, कॉज नेचुरल लॉग एक्स इंटू वन ओवर एक्स साथ आ गया डी एक्स। सबसे पहले इस पर क्या चेक करेंगे, पावर रूल, पावर रूल क्या, बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, कॉज का डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन। अब ना ही इस फंक्शन पे पावर रूल अप्लाई होगा और ना ही इस पे क्वेश्चन रूल। अब क्या चेक करेंगे, सब्सिट्यूशन, सब्सिट्यूशन की आपको तीन टाइप्स बताई है मैंने, एंगल सादा ना हो, देखो पहली ये टाइप ही इस पे अप्लाई हो रही है, पहली टाइप एंगल सादा नहीं है, इसको क्या पुट कर सकते हैं टी, लेकिन इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है वन ओवर एक्स, इसका डेरिवेटिव भी साथ मौजूद है, इसको क्या लगा देंगे अब टी पुट कर लेंगे, टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स, क्या आ जाएगा डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी टी ओवर डी एक्स आ गया, यहाँ पर वन ओवर एक्स आ जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन ओवर एक्स, क्या आ जाएगा डी टी वन ओवर एक्स डी एक्स, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगला काम क्या हमारा, रिप्लेसमेंट, अगला काम क्या है रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कर देंगे, इंटीग्रेशन ऐसे ही आ जाएगी। अब देखो कोज एंगल को क्या पुट करेंगे, टी वन ओवर एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, वन ओवर एक्स डी एक्स किसके इक्वल है डी टी के, किसके इक्वल है डी टी के आ गया। अब कोज की इंटीग्रेशन क्या है, साइन टी, नीचे एंगल का डेरिवेटिव एंगल का लेंगे, टी को टी के रिस्पेक्ट वन आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव वन आ गया प्लस सी। अब जिस शेप में क्वेश्चन था उसी शेप में है, अब टी को क्या पुट कर देंगे दोबारा, नेचुरल लॉग एक्स प्लस सी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर है फाइव। अब करें क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्स माइनस वन आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री साथ आ गया। मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या चेक करेंगे, पावर रूल, इसके बाद क्वेश्चन रूल, पावर रूल तो अप्लाई नहीं हो रहा। अब क्वेश्चन रूल क्या है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है मौजूद होना चाहिए, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है मौजूद होना चाहिए, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है, टू एक्स, एक्स स्क्वायर का टू एक्स आ गया, टू एक्स का टू आ गया। अब देखो उसने एक्स ओवर वन दे दिया, एक्स ओवर माइनस वन दिया हुआ, किस चीज की कमी है टू की, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए, अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है वहां पर क्या लगाएंगे क्वेश्चन रूल, अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है कांस्टेंट रकम लगा के फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब क्या लगाएंगे कांस्टेंट रकम, अपनी तरफ से क्या लगा सकते हैं कांस्टेंट रकम, क्या करेंगे टू के साथ डिवाइड भी कर देंगे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, टू के साथ डिवाइड भी करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब यहाँ पर क्या लगा सकते हैं क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल क्या है, क्या लगा सकते हैं हम क्वेश्चन रूल, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो क्या लगाएंगे, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। अब देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है क्या लगाएंगे क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल क्या होता है नेचुरल लॉग, कंपेयर करें इसके साथ, ये नेचुरल लॉग लगा के ये नीचे वाला फंक्शन लगा देंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी आ गया, ये था हमारा फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर सेवन करेंगे, सॉरी क्वेश्चन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में लेक्चर में बताया था चार फंक्शन ऐसे हैं जिनों की डायरेक्ट इंटीग्रेशन, जिन जिन फंक्शनों की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, साइन स्क्वेयर इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, कोस स्क्वेयर इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसकी अडेंटिटी खोलेंगे, अडेंटिटी खोल के फिर इसको इंटीग्रेशन लेंगे, कोस स्क्वेयर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, किस फॉर्म में खोलेंगे इसको, कोस स्क्वेयर की अडेंटिटी क्या होती है कोसिकेंड स्क्वेयर
स्क्वेयर एक्स माइनस वन, अब इसको खोल देंगे इसके कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन, साथ आ गया डी एक्स। अब क्या करेंगे, अकेले अकेले की इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो स्क्वेयर की इंटीग्रेशन डी एक्स आ गया, माइनस वन की इंटीग्रेशन साथ डी एक्स आ गया। कोसिकेंट स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोट एक्स। कोसिकेंट स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोट एक्स, नीचे एंगल का डेरिवेटिव वन ही आ जाएगा। वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स, वन की वन एक्स, साथ एक्स लगा देंगे प्लस सी। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा सेवन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट, टू क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन किसकी लेंगे, सीकेंट एक्स की, सीकेंट टू एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे। सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होता है, वी नाउ डैट, वी नाउ डैट, सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या है, नेचुरल लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, नीचे एंगल का डेरिवेटिव, नीचे एंगल का डेरिवेटिव। अब देखो ये टू ऐसे ही आ गया, सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या है, नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, नीचे एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या हमारे पास टू एक्स है प्लस सी, एंगल क्या हमारे पास है टू एक्स है, टू आ गया, नेचुरल लॉग आ गया सीकेंड एक्स टेन एक्स, एंगल का डेरिवेटिव टू एक्स का टू आ गया प्लस सी, टू टू के साथ कैंसल, आंसर क्या आ गया, नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस सी। ये था क्वेश्चन नंबर एट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसमें पावर रूल, पावर रूल क्या होता है, इसकी होल की पावर बना सकते हैं हम, पावर नाइन हो जाता, पावर रूल क्या, इस बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लिकेशन में मौजूद होना चाहिए, बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लिकेशन में मौजूद होना चाहिए, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोज एक्स, आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, यहाँ पर क्या लगा सकते हैं पावर रूल, वी नाउ दैट, वी नाउ दैट। क्या करेंगे, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे प्लस सी। अब देखो साइन एक्स के पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे प्लस सी, ये हमने लगा दिया पावर रूल, टेन ओवर टेन प्लस सी, ये था हमारा फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर टेन नाइन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन। देखो अब कोसिकेंट का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, नहीं है, अब इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे, रीअरेंज, वन बाय टू आ गया, कोसिकेंट को बाद में लिख लेंगे। अब देखो क्या कोट का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, इस बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। अब कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर, माइनस
कोसिकेंट स्क्वायर किस चीज की कमी है, माइनस की, माइनस बाहर भी लगा देंगे, माइनस बाहर भी लगा देंगे, अंदर भी लगा देंगे। अब यहां पर देखो इस बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, यहां पर क्या लगा देंगे, पावर रूल। पावर रूल क्या है, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे प्लस सी, माइनस कोट एक्स की पावर, ये आ जाएगा 3/2, नीचे 3/2 प्लस सी, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3 कोट एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज। मुझे दुआओं में जरूर याद रखना। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक को कवर किया। अब क्वेश्चन नंबर 11 से जितने भी क्वेश्चन रहते हैं इसको इस लेक्चर में कवर करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। वो क्या स्टार्ट हो रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो फंक्शन दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में मौजूद होने चाहिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहां पर लगाएंगे, जहां पर दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लीकेशन में मौजूद होंगे। सबसे पहले हमने पावर रूल चेक करना है, उसके बाद हमने क्वेश्चन रूल चेक करना है, इसके बाद हमने क्या चेक करेंगे, सब्सटीट्यूशन। अगर सब्सटीट्यूशन भी अप्लाई नहीं हो रही हो फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। एंटी बाय पार्ट्स लगाने से पहले दो फंक्शन दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में मौजूद होना चाहिए। पहला वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू पहले का डेरिवेटिव। ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अब पहला वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन फिर पहले का डेरिवेटिव। अब मौत क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते वक्त आपने पांच बातों का ख्याल रखना है, पांच बातों का ख्याल रखना है। एहतियाती तदाबीर जो कि मैंने 5 लिखी है, अगर लॉग फंक्शन आ गए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, अगर लॉग फंक्शन आ गए इज आ फर्स्ट फंक्शन, लॉग वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, दूसरे को दूसरा फंक्शन रखेंगे, कोई भी दूसरा फंक्शन होगा उसको दूसरा फंक्शन रखेंगे, उसको दूसरा फंक्शन रखेंगे। टेक्निक नंबर 2, इनवर्स फंक्शन आ जाए इज आ फर्स्ट फंक्शन, इनवर्स वाले को पहला रखेंगे, बकाया दूसरे को दूसरा फंक्शन रखेंगे। अगर अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, अलजेब्रिक को पहले रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में रखेंगे। अगर अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, ऐसे तरतीब रखेंगे, अलजेब्रिक को पहले रखेंगे, एक्सपोनेंशियल को बाद में रखेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, एक्सपोनेंशियल को पहले रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरा फंक्शन रखेंगे। आपने पांच बातों का पता होना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते वक्त। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, पहला वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू पहले का डेरिवेटिव। ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, एक्स। अब देखो अलजेब्रिक को पहले रखेंगे, एक्सपेंशन को बाद में रखेंगे, उसने बिल्कुल हमें बिल्कुल ठीक तरह से क्वेश्चन दे दिया। अब क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहला वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन, पहला वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन इन टू दूसरे की इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का डीएक्स, ये लिया इस इंटीग्रेशन का, ये लिया इस इंटीग्रेशन का, इनटू पहले का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास एक्स है, ये क्या था, इंटीग्रेशन है बाय पार्ट्स। अब देखो ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, माइनस आ गया। ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, पावर का वन आ जाएगा। अब एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे, वन आ जाएगा, ये डी एक्स आ गया, वन वन के साथ कैंसिल, एक्स ई एक्स आ गया, माइनस ई एक्स साथ आ गया डी एक्स। अब ई एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव वन आ गया प्लस सी, ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इनवर्स एक्स, अगर अकेला लॉग फंक्शन आ जाए, इनवर्स फंक्शन आ जाए, इसको हमेशा किससे हल करेंगे, इंटीग्रेशन है बाय पार्ट से। अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दो फंक्शन होने चाहिए, यहां पर हमने सिर्फ इनवर्स वाला दे दिया, अब क्या करेंगे, दूसरा वन ले लेंगे अपनी तरफ से, दूसरा फंक्शन क्या ले लेंगे, वन। अब लगा सकते हैं ना यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अगर लॉग फंक्शन आ जाए अकेला या इनवर्स फंक्शन आ जाए अकेला, इसको हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हल करना। आप लोगों ने किससे हल करना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, दूसरा फंक्शन अपनी तरफ से वन ले लेंगे, दूसरा फंक्शन अपनी तरफ से क्या ले लेंगे, वन। अब क्या करेंगे, पहला वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू पहले का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव इनटू पहले का डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ गया। वन का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स माइनस ये इंटीग्रेशन, अब वन की इंटीग्रेशन क्या, एक्स, ये डी एक्स आ गया। अब टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर, एंगल कर लेंगे वन ही आ जाएगा, क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स को ऊपर कर देंगे, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, वन प्लस एक्स का स्क्वायर साथ आ जाएगी। अब देखो क्या यहाँ पर क्वेश्चन रूल का अप्लाई नहीं हो रहा है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए, क्या इस पर क्वेश्चन रूल तो नहीं अप्लाई हो रहा, क्वेश्चन रूल क्या है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए, वन का डेरिवेटिव जीरो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स, किस चीज की कमी है, टू की, टू के साथ क्या करेंगे, टू के साथ डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, टू के साथ डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब लगा सकते हैं ना क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू क्या आता है, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी, ये था क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर डिपेंड कर रहा था। मैंने आपको पहले बताया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किन किन फंक्शनों पर अप्लाई की जा सकती है, आपको टेक्निक नोट्स भी बताए थे, उसका नोट बताया था कि कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते वक्त एहतियात करना है,
ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स साथ आ गया डीएक्स। आप यहां पर लिखेंगे वी नाउ दैट एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साथ आ गया डीएक्स। क्या लगाएंगे ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब इस फार्मूले को समझ ले अच्छी तरह से। इस पावर का डेरिवेटिव यहां पर मल्टीप्लिकेशन में मौजूद होना चाहिए। इस पावर का डेरिवेटिव क्या बनता है, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा ए। देखो इस पावर का डेरिवेटिव यहां पर मौजूद होना चाहिए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे प्लस में मौजूद होना चाहिए। इस पावर का डेरिवेटिव यहां मल्टीप्लिकेशन में मौजूद होना चाहिए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे प्लस में मौजूद होना चाहिए। अगर प्लस में डेरिवेटिव मौजूद है क्या करेंगे, ये वाला ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस में लगा देंगे। दोबारा मैं रिपीट करवाने लगा हूं, इस पावर का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लिकेशन में मौजूद होना चाहिए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे प्लस में मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है यहां पर क्या लगाएंगे ई ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखो इस एक्स का डेरिवेटिव यहां पर वन मौजूद है ना, कंपेयर करें इस फॉर्मूले के साथ, इस एक्स का डेरिवेटिव यहां पर मौजूद होना चाहिए, इस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है वन। देखो यहां पर वन पड़ा हुआ, अगर नहीं है तो लगा ले। अब इस साइन का डेरिवेटिव आगे प्लस में मौजूद होना चाहिए, इस साइन का डेरिवेटिव आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे प्लस में मौजूद होना चाहिए। साइन का डेरिवेटिव क्या बनता है कोवैक्स, कोवैक्स मौजूद है। अब क्या लगा सकते हैं ई फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास साइन एक्स प्लस सी। ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब करें क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इस पर पावर रूल, पावर रूल क्या इस बेस का साथ फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। अब देखो ये पावर रूल अप्लाई नहीं हो रहा। अब क्या क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन क्या नीचे वाले का ऊपर मौजूद होना चाहिए, साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स, ऊपर कॉस एक्स तो मौजूद है लेकिन इस पर क्या आ रही है होल की पावर। क्वेश्चन रूल पे होल की पावर नहीं होनी चाहिए नीचे, क्वेश्चन रूल पे नीचे होल की पावर नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर होल की पावर है नहीं है, अब देखिए इसके ऊपर होल की पावर आ रही है नहीं लगा सकते, क्या करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे साइन एक्स की पावर, इसकी पावर क्या अंडर रूट की 1/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की 1/2, इसकी पावर क्या है अंडर रूट की 1/2, ऊपर जाके माइनस की 1/2 हो जाएगी। अब क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है, बिल्कुल है। अब क्या लगा सकते हैं यहां पर पावर रूल क्या होता है, पावर में ऊपर एक प्लस कर दें, यही पावर नीचे डिवाइड कर दें प्लस सी, क्या आ जाएगा साइन एक्स की पावर, इसको करेंगे 1/2 आ जाएगा, इसको हल करेंगे 1/2 प्लस सी। अब इसको देख सकते हैं साइन एक्स के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ये ऊपर जाके क्या 2/1 है, 2/1 हो जाएगा प्लस सी, यही आंसर हमारा। ये तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। साइंस के रैक्स कोज
फोर एक्स, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, देखो ना कोस के ऊपर पावर कितनी 4x, को ऐसे भी करके लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स इंटू वन ओवर कोस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगी, पावर कितनी आ जाएगी 4, इस 4 पावर को हम ये 2 करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 करके लिख सकते हैं, साइन ओवर कोस किसके इक्वल होता है टैन के, साइन ओवर कोस किसके इक्वल, साइन ओवर कोस टैन के आ गया, 1 ओवर कोस सेकेंड स्क्वायर एक्स के, क्या करेंगे थोड़ी सी हम सिंपलीफिकेशन करेंगे, इसको कर सकते हैं होल की पावर 2 आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स आ गया। अब देखो क्या इस बेस का पावर भी चेक करेंगे, क्या इस फंक्शन का बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है, बिल्कुल है, टैन का डेरिवेटिव भी आता है सेकेंड स्क्वायर, देखो बिल्कुल सेकेंड स्क्वायर पड़ा हुआ है, अब क्या लगा सकते हैं पावर रूल, क्या करेंगे पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे, यही पावर नीचे प्लस सी, क्या आ जाएगा टैन एक्स की पावर 3/3 प्लस सी, ये था फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब जो के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वी नाओ दैट, वी नाओ दैट, हमने एक फार्मूला दिया था पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 में, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इसके इक्वल है 1 ओवर ए टैन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, 1 ओवर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर कांस्टेंट टैन इनवर्स एक्स ओवर कांस्टेंट प्लस सी। अब इस क्वेश्चन को हम रिप्लेस कर सकते हैं ना 1 ओवर 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 25 के इक्वल ही आ जाएगा। अब देखो इसके साथ रिप्लेस करें ए का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर, यहां पर भी कांस्टेंट का स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हम अब इसको लिख सकते हैं ना 1 ओवर कांस्टेंट टैन इनवर्स एक्स ओवर कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हमारे पास 5 है 5 लिख देंगे प्लस सी, ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके, दुआ में मुझे याद रखना, अल्लाह हाफिज़।